सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फैसल भाई सबसे पहले बताएं कि ये स्कूटी माशाल्लाह बड़ा कोई आर्मी ग्रीन कलर है, ये कोई आपने कोई ऑर्डर पे मंगवाई है या खुद अपनी चॉइस से? नहीं, ये नई कलर स्कीम है, जैसे कि बताया नया मॉडल है 2022 का, तो यही नई कलर स्कीम के साथ हमारे पास है। मैट ग्रीन कलर स्कीम है और दूसरा ये है कि ये थोड़ी स्मार्ट शेप में है और काफी ज्यादा डिमांड थी, और मोस्टली जो है कहते हैं जो फीमेल्स हैं वो स्पेशली डिमांड करती हैं कि हमारे पास थोड़ा स्मार्ट सी शेप में आने चाहिए। बाकी जो ज्यादा पावर में चाहते हैं उसमें 150 सीसी भी हमारे पास स्कूटर मौजूद है जो कि हर मतलब कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। लेकिन ये वाला जो स्कूटर है इसका नया मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट पे इसकी DRL लाइट्स दी गई हैं, काफ़ी ज़बरदस्त पार्किंग लाइट्स हैं, और इसके साथ जो है वो सिंपल जो है इसका यहाँ पे एलुजिन बल्ब हमें मिल जाता है। बाकी ऑप्शन है इसके अंदर, अगर आप कोई LED लगाना चाहें तो वो भी ईजिली लग जाती है। सही। अच्छा फैसल भाई कितने CC है ये? ये 125 CC इसका जो इंजन पावर 125 CC है। सही। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मीटर डायल है इसके नए मॉडल में, इसी में भी LEDs वाइट लगाई गई हैं। यहाँ पे हमें फ्यूल इंडिकेशन मिल जाती है, जैसे कि 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो जैसे ही आप फुल करेंगे तो ये आपकी इंडिकेशन शो करेगा। और 120 तक ये बता रहे हैं कि जी, जो कंपनी स्पीड है वो 120 इसकी पर मीटर है। और दूसरा इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर जैसे मैंने ऑन किया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी बॉडी पर, ये देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर्स हैं। रेयर पर भी आपको दिखा देता हूँ फ्रंट। अच्छा चलो इंडिकेटर्स तो रेयर के मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, अभी फ्रंट टायर के साइज़ की बात कर लें तो फैसल भाई क्या साइज़ आ रहा है इसमें? जी फ्रंट पे इस पे 3/50/10 का इस पे फ्रंट के ऊपर टायर है, यहाँ पे मेंशन भी है क्लोजअप में, आपको दिखा भी देते हैं लाइट चला। और दूसरा ये है कि इसके फ्रंट के ऊपर डिस्क भी प्रोवाइड की गई है, स्मार्ट डिस्क है छोटी सी और विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है इसके ऊपर स्कूटी के ऊपर, और बैक में हमें ड्रम बैक की ऑप्शन। थोड़ा सा अगर फ्रंट सस्पेंशन आप इसके दिखाएं कितने फ्लेक्सिबल हैं, और सिटिंग पोजीशन भी आपको दिखा देते हैं, सस्पेंशन काफ़ी ज़बरदस्त है। और दूसरा ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर उसके ऊपर इजीली ये गुजर सकती है, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। फैसल भाई की जो सिटिंग पोजीशन है वो भी आप देख सकते हैं, वो इजी है, मतलब स्टार्ट एंड गोल सीन है, इसको काफ़ी इजीली आप स्टार्ट करें और इसको ड्राइव कर सकते हैं, और मोस्टली ये लोगों ने तकरीबन विद इन वीक भी इसको प्रैक्टिस करके इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना को गियर की झंझट है ना इसमें क्लच के सिस्टम है, टोटल कंट्रोल आपके हाथ में स्टेयरिंग में होता है, राइट ब्रेक आपके राइट साइड पे है और ये जो लेफ्ट साइड पे जो लीवर है ये रियर ब्रेक हमें इसी के अंदर कंट्रोल मिल जाता है। सही। अच्छा फैसल भाई कुछ लोगों के माइंड में ये आता है कि यार ये तो बूढ़ों के लिए होती है, सिर्फ लेडीज़ के लिए होती है, अब आप बैठे हैं माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं जी, और ये क्या मतलब थोड़ा सा ये पॉइंट लोगों का क्लियर करना है? बिल्कुल नहीं है कि मतलब कंसेप्ट आता है कि लोग कहते हैं स्कूटी जो है कि वो ज़्यादा मतलब फीमेल्स के लिए या ओल्ड एज के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर एज के लिए है। और आप ज़्यादा दूर नहीं तो पड़ोसी मुल्क चाइना या इंडिया में आप देख लें तो वहाँ पे तकरीबन हर लोग इसको चला रहे होते हैं स्कूटीज वगैरह। बिल्कुल। हम थाईलैंड भी गए और भी कंट्रीज में गए हैं, तो वहाँ भी ये स्कूटर का हर लोग मतलब हर एज के लोग एंजॉय करते हैं, यंगस्टर भी और टीनएजर्स भी और ओल्ड एज भी, तकरीबन हर एज के लोग इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक तो ईजी भी है और दूसरा ये है कि फ्यूल एफिशिएंट भी है। बाद लोग ये है कि किक वाले बाइक हेजिटेशन करते हैं, या बाद लोग कहते हैं कि हमें कोई कंफर्टेबल राइड चाहिए जिसके अंदर हमें किसी किस्म की हेजिटेशन ना हो, ना गियर लगाना पड़े ना क्लच लगाना पड़े, तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और हमारे पास काफ़ी लोग लेके भी गए हैं, जिसमें मेरे दोस्त भी हैं, एक दो उन्होंने बाइक की है स्कूटी फुली ऑटोमेटिक और वो ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा फ्यूल की बात आपने की तो बताएं इसके टैंक में कितना फ्यूल आ सकता है और कहाँ से फ्यूल डलवाते हैं, थोड़ा ये भी बता दें जी। इसके अंदर फ्यूल टैंक जो मैं स्टोरेज है तकरीबन 5.5 लीटर की स्टोरेज है, और दूसरा यहाँ पे हमें एंटी थेफ्ट लॉक भी मिल जाता है, और जैसे आप इसको लॉक करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे इसका एंटी लॉक आप इसको करते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे इसका शटर लॉक होता है, वो जैसे आप इसको शटर को लॉक करते हैं ये पुश बटन दबाते हैं तो ये लॉक हो जाता है, और यहीं पे की मदद से आप इसका जो है अनलॉक भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस तरह हमने बंद किया है, खुदा ना खास्ता कोई और की लगा के या कुछ इसको जो इग्निशन स्विच है उसको ख़राब नहीं कर सकता, वैसे जो नॉर्मल बाइक्स होते हैं उसका जो है स्विच वो भी लोग ऐसे खोल लेते हैं, लेकिन इसका ईजी नहीं इसको खोलना। दूसरा इसके साथ यहाँ पे इसके सिक्योरिटी के हवाले से एक्स्ट्रा फीचर्स ये है कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से भी आप इसको लॉक अनलॉक और स्टार्ट की ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन इसमें जी, ये इसका सिक्योरिटी सिस्टम अभी आई थिंक सो पेट्रोल नहीं है इसमें, हम दूसरी स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल आ जाएंगे, अभी पेट्रोल नहीं है इसमें जी।
ये इसका अनलॉक का बटन है और ये इसका लॉक का बटन है। लॉक करें और इसको मार के चेक भी करते हैं। और जैसे प्रेस करेंगे ये स्टार्ट हो गया इसका लॉक। तो ये है कि दोनों रिमोट से हैं, दोनों इसकी कंप्यूटराइज कीज हैं। इसको मतलब एक रिमोट और एक की आप इसको स्पेयर भी रख सकते हैं और इसको इजीली जो है आप इसको सेफ कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। इसका ये वाला पोर्शन जो सीट का है ये जरा खोल के चेक करवाएं। ये सीट का पोर्शन खोलने के लिए आपको स्टीयरिंग स्ट्रेट पोजीशन में रखना होगा और लेफ्ट साइड पे जैसे आप चाबी को पुश करेंगे तो इसकी जो सीट वो ओपन हो जाती है, बैक ट्रंक ओपन हो जाता है। और यहाँ पे ये है कि स्टोरेज वगैरह आप छोटा हेलमेट भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, कोई अपनी स्टोरेज भी एक्स्ट्रा लगेज वगैरह रख सकते हैं। और ये इसका फ्यूल टैंक है, इसके अंदर फ्यूल इंडिकेटर भी लगा हुआ जो कि आपको जो सामने शो हो रहा है। तो कितना लीटर आ जाता है इसके अंदर? मैक्सिमम तकरीबन 5.5 लीटर तक स्टोरेज इसके अंदर आ जाती है। और दूसरा ये बैक पे टेक भी लगी हुई है, बैक रेस्ट भी है, मतलब पिछला जो राइडर बैठेगा उसके लिए पीछे बैठने के लिए टेक भी मौजूद है। अच्छा फैसल भाई, ये जो इसमें दिए हुए हैं ये रियर पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट है, जिससे जैसे आप पुश करते हैं तो ये खुल जाते हैं। रियर जो पीछे रियर पिलियन राइडर है वो इजीली इसके ऊपर रख के कर सकते हैं। बाकी जो फ्रंट वाला राइडर होता है उसके यहाँ पे स्पेस होती है, ठीक। बैक वाला भी इजीली मतलब बैठ सकता है, दो बंदे इजीली इसके ऊपर स्कूटर के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बात लोग ये है कि छोटा बच्चा भी यहाँ बच्चा रख लो, छोटा मोटा सामान रख लो। वैसे ये थोड़ा सा इन्होंने बनाया है भाई, यहाँ पे भी कोई चीज आप रखना चाहिए। ये हुक है, यहाँ पे आपका छोटा मोटा सामान जो है वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज बॉक्स है, यहाँ पे भी मोबाइल वगैरह चीजें रखते हैं। मोबाइल आपने छोड़ के नहीं जाना, सही ले जाएगा। यहाँ पे मोबाइल की चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है। कोई भी आप एंड्रॉइड डिवाइस कोई भी चीज यहाँ पे इजिली चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा इंजन की बात कर लेते हैं जी, कार्बोरेटर इंजन है जी, इसका कार्बोरेटर है, यूरो 2 इंजन है और फ्यूल इफिशिएंट है। तकरीबन 1 लीटर में मैक्सिमम 55 किलोमीटर माइलेज देने की सलाहियत रखता है। मीटर के ऊपर नहीं, इसके मीटर के स्पीडोमीटर होता है, जैसे हम चलते हैं तो आपको बताएंगे कुछ स्पीड में जा रहे हैं। कुछ आती है ना स्कूटर उनका बैक साइड पे होता है, तो इनका इसका फ्रंट के साथ वो उन्होंने सिस्टम दिया, यानी कि चलेगी तो इसके मीटर पे स्पीड शो होगी। अगर चलेगा तो आपको यहाँ पे इसकी जितनी स्पीड में आप जा रहे हैं वो आपको शो करेगा, कितने किलोमीटर या माइल्स पर आवर में। रेयर पे भी एक बार देख लेते हैं, लाइट जो है इसकी वो देख लें आप जी, लाइट्स एलईडी टोटल है। ब्रेक प्रेस करते हैं तो, और ब्रेक प्रेस करेंगे तो सेंटर से भी लाइट चलती है। इंडिकेटर जरा ऑन करें फैसल भाई, इंडिकेटर भी काफी अच्छे, मतलब दूर से आपको इंडिकेट करते हुए काफी अच्छे लगते हैं, ठीक। अच्छा फ्रंट और बैक रेयर के जो टायर्स हैं सेम साइज है जी, टायर साइज सेम है दोनों का। मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मैं वीडियो रोक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर कॉल वगैरह करके आप मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं न्यू पार्क ट्रेनिंग कंपनी से। टायर रेयर का मैं आपको दिखा देता हूँ, रेयर का आप मडगार्ड देख लीजिए प्लास्टिक का है, और खुदा ना खासा कहीं भी लगता है तो इसमें इतनी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये टूटता नहीं है, इतनी जल्दी टूटेगा, सही। नेक्स्ट जो वाइट स्कूटर है ये 150 सीसी में है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मीटर भी आपको दिखाएंगे, स्पेशली इस फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, ये लावा स्टाइल DRL है फ्रंट पे, लाइट्स के अंदर भी साथ इंडिकेटर के साथ भी, मतलब जैसे आप पार्किंग मोड ऑन करते हैं ये लाइट्स ग्लो करती हुई नज़र आती हैं। और दूसरा इसके अंदर जो LEDs लगी हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी वाइट ब्राइट LEDs के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये इसमें बिल्ट इन आई है या? जी इसकी बिल्ट इन इसके अंदर ये नए मॉडल्स में आई है। और दूसरा इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे LEDs में बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। दूसरा ये है कि इसके अंदर मॉडल्स के अंदर हैंड गार्ड भी यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी इसको लुक देते हैं स्कूटर को। और इसका जो मीटर डिस्प्ले है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्टिव बनाया गया है, मीटर भी आपको दिखा देते हैं, इसमें डिजिटल का ऑप्शन भी आपको साथ मिलता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही आप इसका मीटर ऑन करते हैं तो ये आपकी जो स्पीडोमीटर है इसका LED है, इसके ऊपर एक ग्लो करती है सारी और इसकी नीडल मूव करती है। यहाँ पे नीचे हमें यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन मिल जाती है, यहाँ पे ये टाइम का ट्रिप का बटन दिया गया, यहाँ पे टाइम सेटिंग का बटन है जिसके आप इसकी माइलेज वगैरह भी सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ टाइम भी इजीली इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। सही। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने लाइट्स लगाई गई हैं, मतलब अगर जैसे लो होता है तो लोग आपका रिजर्व में जाएगा तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करती हुई आपको नजर आएगी, लीटर डेढ़ लीटर में ये होगा ऑप्शन इसका, बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे आई बीम करते हैं तो यहाँ पे ब्लू लाइट चलती है और ऊपर इंडिकेटर्स की ये ग्रीन लाइट। इसका माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारा है इसका, वो स्कूटी खुद भी बहुत प्यारी है जी, बहुत ज़बरदस्त इसका लुक भी है और काफ़ी ये नया लेटेस्ट मॉडल, अभी कहीं किसी के पास ये मॉडल नहीं आया बिल्कुल। और इसमें भी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है ब्रेकिंग का, फ्रंट एंड बैक दोनों हाथ में, सही। इसके भी फ्रंट पे आप देखें तो बहुत ही अच्छी स्टाइल किस्म के
इसके अलार्म्स बने हुए हैं और इसके फ्रंट पे भी स्मार्ट डिस्क है विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर और टायर साइज जो है वो भी आपको क्लोजअप में चेक करवा देते हैं। 350/10 का फ्रंट पे एंड बैक पे इसके हमें सेम टायर मिल जाता है। सही, तो ये ट्यूबलेस टायर है वैसे? जी ट्यूबलेस टायर है और काफ़ी अच्छे टायर हैं। बाकी ये है कि पार्ट्स के वाले कोई भी चीज़ चाहिए तो हमारे पास इसके मोस्टली रनिंग पार्ट्स मौजूद होते हैं। सही, और इसके अंदर भी जो लॉक सिस्टम लगा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर भी एंटी थेफ्ट लॉक की सिस्टम ये मौजूद है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो इसका आपका शटर लॉक सेम उसके जैसे ही है। ऐसे ही उसके साथ भी हमें रिमोट्स मिल जाते हैं, इसके अंदर बिल्ट इन ये सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। सही, तो इसकी मदद से भी आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और लॉक अनलॉक भी इसको इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स साउंड इनका देख लें, इसको जरा रेस देके जरा हमें ज़्यादा सुना दें। अच्छा लाइट की बात कर लेते हैं तो इसमें आई थिंक सो हैलोजन यूज हो रहा है? नहीं नहीं, इसके अंदर एलईडी। अच्छा लावा लगा हुआ है, ठीक। लाइट्स हैं इसके अंदर और एलईडीज हैं भी, काफी अच्छी ग्लो करती है, बहुत मजे की लाइट करते हैं। और इंडिकेटर भी बहुत ही जबरदस्त स्टाइलिश इंडिकेटर बनाए गए हैं, जैसे कार स्टाइल में आते हैं बिल्कुल। और दूसरा बैक पे इसके भी बैक के ऊपर जो पिलियन राइडर्स के लिए रेस्ट मौजूद है और दूसरा इसके साथ ही बैग पे ये कैरियर भी स्मार्ट सा मौजूद है। इसके अंदर छोटा अगर बॉक्स एक्स्ट्रा लगेज बॉक्स लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है इसके अंदर, आप इंस्टॉल करना चाहें तो ठीक हो गया। दूसरा इसी की जो चाबी की मदद से आप जैसे इसको पुश करते हैं लेफ्ट साइड पे तो इसकी भी सीट ओपन हो जाती है और इसमें ज़रा स्पेस ज़्यादा, इसमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पर यह है कि एक हेलमेट भी आप छोटा कैरी कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर फ्यूल रिफिल करने के लिए आप इसका ये मौजूद है फ्यूल स्टोरेज टैंक जिसके अंदर आप फ्यूल मैक्सिमम 5.5 लीटर तक स्टोरेज कर सकते हैं। और सीट काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल है, इजीली दो इसके ऊपर बैठ सकते हैं बंदे। आप ये भी इसके बटन्स देख लें, ये लेफ्ट साइड जो असेंबली इसमें हाई लो भी जी, नीचे इंडिकेटर आ जाते हैं और सबसे लास्ट में ऑन इसका ऑन आ जाता है और ये अपनी मीटर की लाइट ऑन होती है और यहाँ पर आपकी हेडलाइट ऑन हो जाती है जी। नीचे सेल्फ स्टार्ट सेंटर में पार्किंग है और उसके बाद लाइट्स ऑन हो जाती है और नीचे सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक, और दूसरा यहाँ पे भी हुक प्रोवाइड की गई है, मतलब कोई आप हैंग करना चाहें सामान वगैरह तो यहाँ पे लॉक वाली दी है ना, यहाँ पे करके तो आप इसको लॉक कर लें। और यहाँ पे भी छोटा मोटा सामान आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप इसके देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट प्रोवाइड की गई है 5W 1A इसके अंदर, आप मतलब कोई भी मोबाइल इजीली चार्जिंग कर सकते हैं या जो भी डिवाइस आप अपनी लगा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स प्राइसेस अभी हमने इसकी आपको नहीं बताई है, लास्ट में बताएंगे इसकी जब ये चारों के जो रिव्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक बार एक प्राइस का थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये तो बड़ी स्पोर्ट्स लुक में एक स्कूटी मुझे लग रही है, ब्लू और ये रेड मतलब वाइट का टच, ये काफ़ी ज़बरदस्त स्पोर्टी स्टाइल में बनी गई है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। ये मॉडल आया था इससे पहले भी हमारे पास लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब फिनिशिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा इसमें वो स्टाइल नहीं किया था, तो अभी इस मॉडल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर काफ़ी स्टाइलिश बनाई है। इसकी जो फ्रंट एलईडीज आप देख सकते हैं, फ्रंट के ऊपर एलईडीज लगी हुई है और नीचे भी आप देख सकते हैं इसके जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे फ्रंट के ऊपर आपको ग्लो करते हुए नज़र आते हैं। सही, और ये स्टिकरिंग जितनी भी हुई है इसके ऊपर, ये मतलब कंपनी की हुई है स्टिकरिंग, और इसके जो फ्लोर के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CNC के यहाँ पे प्रोटेक्शन आप समझ सकते हैं लगाए हुए हैं ताकि जो है कि जो राइडर्स बैठेगा उसके भी जो है उसकी वजह से स्क्रैचेस ना आए इसके फ्लोर के ऊपर, और जो बैक पिलियन राइडर है उसके भी वो इजीली यहाँ पे पाँव वगैरह अपने इजीली यहाँ पे रख सकता है। ठीक, और दूसरा इसके ऊपर जो लीवर्स हैं ये इसके अंदर ये भी इसकी कंपनी फिटेड है, मतलब आफ्टर मार्केट लीवर्स नहीं है और लीवर की एडजस्टमेंट भी है इसकी, मतलब सेटिंग है 1, 2, 4, 3, 5, 6 तक सेटिंग आप इजीली इसमें जगह भी इन्होंने दी हुई जी, स्पेस है इसके अंदर आप मतलब सेटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको कहाँ तक आप लीवर की एडजस्टमेंट रख सकते हैं। ठीक, और दूसरा ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी ब्रेक है, इसकी भी लीवर की एडजस्टमेंट मौजूद है, दोनों की लीवर एडजस्टमेंट हमारे पास मिल जाती है। सही, और दूसरा मीटर जो डिस्प्ले है इसके अंदर यही राइट साइड पे हमें फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे ये स्पीडोमीटर है इसका, और मैक्सिमम जो इसका मीटर बना हुआ है तकरीबन 120 तक भी बना हुआ है इसका जो मीटर है। सही, तो फैसल भाई वैसे इनकी टॉप स्पीड वगैरह क्या आती है, मतलब 100+ मैक्सिमम तकरीबन इनकी स्पीड जो है 100 तक जाती है, बाकी मीटर तो वैसे 120 तक ही बना हुआ लेकिन 100 तक ही इजीली स्पीड इसकी जाती है।
अच्छा, ये जिस तरह की आपने बताया कि टैंक में सब में 5.5 लीटर तक पेट्रोल जी, तकरीबन सब में तकरीबन 5.5 लीटर तक स्टोरेज की फ्यूल स्टोरेज होती है। सही। और वो आपने बताई थी कितने सीसी ग्रीन वाली? जी वो 125 सीसी और ये 150 सीसी। 150 सीसी में इंजन इसका हमने दिखा दिया था या नहीं दिखाया था? इंजन आई थिंक इसका रहता है मेरे ख्याल से। इंजन आपको दिखा देते हैं फिर आप ये देख लें इसकी जो इंजन की क्वालिटी है। फैसल भाई ये भी यूरो 2 में? जी ये भी यूरो 2 है, फ्यूल एफिशिएंट है और तकरीबन 1 लीटर में मैक्सिमम 50 किलोमीटर एवरेज इसकी है। ठीक। ट्रांसमिशन और फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसकी। सही। इसी किस्म का गियर क्लच का वो चक्कर नहीं है। यहाँ पर भी आपको इंजन दिखा देते हैं और फंक्शन वाइज ये भी यहाँ से खुलती है और ये थोड़ा सा दिखा दें। तकरीबन स्कूटी के मोस्टली जितने भी आते हैं उसमें ये है कि बैक सीट खोलने के लिए आप इसकी जो की है उसको लेफ्ट साइड पे पुश करते हैं तो इसकी बैक जो सीट है वो इजीली ओपन हो जाती है। ठीक हो गया। ये इसका मैनुअल है, अगर इसके मैनुअल के अंदर भी डिटेल होती है। यहाँ पे फ्यूल टैंक है, इसके अंदर फ्यूल स्टोरेज कर सकते हैं। ये इसके अंदर क्या चीज़ है? यहाँ से इसके नीचे थोड़ी सेटिंग के लिए प्रोवाइड किया होता है बॉक्स। अच्छा अच्छा ठीक। के कार्बोरेटर की अगर थोड़ी एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ से ठीक हो गया जी, थोड़ी बहुत सेटिंग यहीं से हो जाती है। बाकी है कि बाकी ट्यूनिंग के लिए इजीली इसका बाकी मैकेनिक्स इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। हमारे पास ही मैकेनिक्स इसके ये प्रोफेशनल मौजूद हैं स्कूटीज़ के। सही। तो अगर आपको ने भी कोई स्कूटी बाय की हुई है जिसका आपको मैकेनिक नहीं मिल रहा तो आप हमारा न्यू पार्क ट्रेडिंग वर्कशॉप विजिट कर सकते हैं और कोई भी इशू पार्ट्स के वाले से तो वो भी आप हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये वही सेम चीज़ है, रेड कलर में है फ्रेंड्स। आपको फ्रंट पर LED एक अच्छा बल्ब मिल जाता है। देखें अगर ये वैसे मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है? इस बल्ब की काफ़ी महंगा है ये वैसे तो जी। LED बल्ब अगर देखें बड़ा है काफ़ी साइज़ में जी। ऐसे ही इसी और देखें तो तकरीबन ये 2600 का ये बल्ब LED और ये बाकी भी इन बाइक्स में आप लगा सकते हैं लेकिन जिसके अंदर कंपनी फिटेड इंस्टॉल्ड है। ठीक। इसमें हाई एंड लो बीम का ऑप्शन है जी? बिल्कुल, ये हाई बीम ये लो बीम। फ्रंट पर आपको ये दिखा भी देते हैं कि इसकी ब्राइटनेस कितनी आती है। अभी यहाँ पे लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बिल्कुल तो, वो थोड़ा लेकिन ये है कि रोड के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी इसकी विजिबिलिटी लाइट्स की मिल जाती है। बिल्कुल। ये देखें टोटल LED है और ये इसके इंडिकेटर्स हैं। एक और चीज़ आपको मैं दिखाना यहाँ पे भूल गया, जो इसके अलॉय व्हील्स हैं जो अलॉय रिम आप देख रहे हैं जी, वो भी सेम उसी में नए कॉम्बिनेशन में बने उसी कलर कॉपर कलर के साथ मैच हो रहे हैं। ये देखें इसके ये चीज़, ये इसकी लीवर्स और ये इसके लॉइस रिम्स जो हैं फ्रंट पे भी काफी सेम। बिल्कुल, फ्रंट पे भी यही चीज है। तो इसके जो शॉक्स हैं वो भी कॉपर्स में। बिल्कुल। तो इसमें जो ना दूसरी टेक्नोलॉजी वाले शॉक्स लगे हुए हैं, एयर किसको कहते हैं, एयर प्रेशर वाले एयर सस्पेंशन। बिल्कुल, रिव्यू हमने ब्लू वाली का आपको दिखा दिया, सारी चीजें दिखा दी। तो अभी आपका अब इंतजार करेंगे प्राइसेस के बारे में। फैसल भाई सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, रेड व्हाइट इसकी क्या प्राइस है? जी प्राइसिंग तकरीबन तमाम चारों मॉडल की सेम ही रखी हुई हमने। इसकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 255 है, 255 है। आप चाहे 125 में ले लें चाहे 150 cc कैटेगरी में ले लें। सही। और दूसरा इसके साथ ये है कि हेलमेट हम इसकी ऑफर है साथ, हेलमेट आपको इसके साथ कंपलसरी मिल जाएगा अगर आप वीडियो का कोड करते हैं। जो कलर स्कीम होगी इसके साथ आपको कोशिश करेंगे उसी कलर स्कीम का हेलमेट आपको साथ में मिल जाएगा फ्री में। सही। कितना 255 बताया? 255 255,000 रुपए। कैटेगरी है 125 cc और 150 cc, चाहे आप 125 में ले लें या 150 cc में ले, प्राइसिंग तकरीबन सेम है सबकी।